देखिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, शिवा गैप 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी टू हिज मदर। ओके, शिवा जो है वो कभी भी क्वेश्चन पढ़ते जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते चले कि 40% सैलरी जो है वो अपनी मदर को दे रहा है, एंड रिमेनिंग मतलब 60% जो बची हुई है, रिमेनिंग 60% 7% यूजेस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एंड 23% केप्ट असाइड फॉर मंथली एक्सपेंसेस, यानी टोटल 30% जो है वो अपने एक्सपेंसेस के लिए समझ लो रख लेता है। अब जो बचा हुआ है इस 60% का, 30% यूज कर लिया, और इस 60% का जो 70% बचा हुआ है उसके लिए क्या बोला जा रहा है, द रिमेनिंग अमाउंट ही ट्रांसफर टू हिज फ्रेंड अकाउंट, वो अपने फ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। द सम ऑफ द अमाउंट टू गिव मदर एंड ट्रांसफर फ्रेंड, मतलब मदर और फ्रेंड के पास जो अमाउंट गया है वो 41,000 रुपीज गया है। तो आपको क्या बताना है कि व्हाट द सिवा मंथली सैलरी क्या होगी। इस क्वेश्चन को मैं अगर आपसे बोलूं तो आप लॉजिक से करेंगे तो ज्यादा जल्दी कर लेंगे, ऑप्शन से करिए, और ऑप्शन में भी सबसे पहले वो ऑप्शन लीजिए जो सबसे कम समय में आंसर दे। जैसे 50,000 है, अगर 50,000 में 40% वो अपनी मदर को देता है तो इसका मतलब 20,000 मदर को दे दी। अब रेस्ट बचा 30,000, इसका वो 30% एक्सपेंस करता है यानी 9,000 रुपीज एक्सपेंस कर दिया, तो इसका भी बचा 21,000, और जब हम इन दोनों अमाउंट को जोड़ते हैं तो 41,000 यानी गिवन क्वेश्चन के बराबर, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। इक्वेशन से कर सकते हैं पर कई क्वेश्चंस को अगर आप लॉजिकल तरीके से करें तो टाइम भी बचता है और आपकी एक्यूरेसी भी हाई रहती है।